अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन पॉपकॉर्न। बहुत इजी, बहुत मज़े के और बच्चों के लिए तो ये बेस्ट रेसिपी है, उनको बहुत मज़ा आएगा। सबसे पहले तो ये देखिए, मैंने बोनलेस चिकन लिया है, उसको मैंने यूं स्क्वेयर्स में काट लिया, छोटे छोटे पीसेस में। ये मैंने 2 ब्रेस्ट पीसेस लिए। इसकी मैरिनेशन में जो चीज़ें यूज़ होंगी, ये देखिए मैंने लिया है पेपरिका पाउडर 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर काली मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून, सॉल्ट है यानी नमक 1/2 टीस्पून, ये इसमें डाल देंगे। और ये है मेरे पास लेमन जूस, अगर किसी को एलर्जी है वो लेमन नहीं यूज करता वो ना डाले, लेकिन ये देखिए मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ, ये इसमें डालेंगे। अब मैं चिकन में इन सब चीज़ों को मिक्स कर लूँगी अच्छे से और मैरिनेट करके 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसको रख दूंगी फ्रिज में। ये देखिए चिकन मैंने मैरिनेट कर लिया है, अब मैं इसको फ्रिज में रखूंगी फॉर 15 मिनट्स। देखिए मैंने 2 eggs लिए हैं, 2 अंडे, उसके अंदर ये मैं 2 tablespoon दूध ऐड करूंगी यानी मिल्क, और इसको अच्छे से बीट करेंगे। ये है मेरे पास ऑल पर्पज फ्लावर यानी मैदा, 1.5 कप, 1.5 कप मैंने लिया है। इसके अंदर देखिए जो चीज़ें ऐड होंगी जिनसे इसका बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा, ये है मेरे पास गार्लिक पाउडर यानी लहसुन पाउडर, ये है जिंजर पाउडर यानी अदरक का पाउडर, ये है पेपरिका पाउडर, ये है ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्चों का पाउडर, ये है सॉल्ट यानी नमक। ये सारी चीज़ें 1/2 टीस्पून मैंने ली हैं, इनको इसके अंदर मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लें ताकि ये ना हो कहीं पे नमक ज़्यादा और कहीं पे मिर्चें ज़्यादा हो। ये देखिए अब चिकन जो मैरिनेट किया हुआ था वो मैंने निकाल लिया फ्रिज में से। इसका 1 पीस लेंगे, पहले इसको अंडे में डिप करेंगे और उसके बाद हम इसको ऑल पर्पज फ्लावर में अच्छे से रोल करेंगे। ये देखें इसी तरह मैं दूसरे ले लूंगी पीसेस, उनको भी पहले एग के अंदर रोल करेंगे यानी अंडे के अंदर, उसके बाद ये ऑल पर्पज फ्लावर ये साइड पे रखते जाए, फिर इकट्ठों को हम ऑयल में डालेंगे फ्राई करने के लिए। ये देखिए चिकन को मैंने कर लिया, अब मैं फ्राई करूंगी इसको, ऑयल गर्म होने के लिए रखा हुआ था पहले ही। ये देखिए मैं इनको फ्राई कर रही हूँ, मीडियम फ्लेम पे रखेंगे दरमियानी आंच पे, जब एक तरफ से आपको लगे कि ये फ्राई हो गए हैं, गोल्डन हो गए हैं, फिर आप उनकी साइड चेंज कर दें तो उनको दूसरी तरफ से भी आप लाइट गोल्डन कलर कर लें। ये देखिए मैं इनको फ्राई कर रही हूँ, ये ऑलमोस्ट फ्राई हो गए हैं, और यहाँ ये भी देखना चाहिए कि अंदर से ये कुक हुए हैं कि नहीं हुए, इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि जितना छोटा पीस हो उतना बेहतर है। ये देखिए फ्राई हो गए हैं, मैं इनको निकालती हूँ और एक नैपकिन लेके उसके ऊपर रखते हैं ताकि जो भी इसका एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए। ये देखिए आपके लिए बहुत ही मज़े के स्पेशली बच्चों के लिए ये चिकन पॉपकॉर्न, उनको बना के दीजिएगा, वो बहुत हैप्पी होंगे खा के। तो ओके जी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।